तो ये हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ सिचुएशंस मतलब क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, बस मैथमेटिकल फॉर्म से एक्स वाई जेड लेट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, पहले खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको दिखाना है। हम लोग हो सके तो सॉल्व भी करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है कितना 528 मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर में इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब बोल रहा है जो लेंथ है प्लॉट का, जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का कुछ लेंथ होगा कुछ ब्रेथ होगा, रेक्टेंगल यार ऑब्वियस सा बात है, तो जो भी लेंथ होगा ना वो एक ज़्यादा है। किससे एक ज़्यादा है? ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। मतलब ब्रेथ जितना भी होगा उसका दोगुना जितना होगा उससे एक ज़्यादा। मान लीजिए ब्रेथ है 2 मीटर तो उसका दोगुना कर दीजिए मतलब 4 मीटर, 2 × 2 = 4, और उससे एक ज़्यादा मतलब 5 हो जाएगा लेंथ। अगर ब्रेथ है मान लीजिए 10 मीटर तो लेंथ कितना होगा? तो लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ को दोगुना कीजिए पहले, उसमें +1 कर दीजिए। ब्रेथ कितना था? 10 मीटर। लेंथ निकालने क्या करेंगे? 10 मीटर को दोगुना करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई, मतलब आ जाएगा 20 मीटर, और उसमें एक प्लस कर दीजिए मतलब 21 मीटर। तो अगर ब्रेथ है 10, अगर ब्रेथ है 10 मीटर तो लेंथ निकालने के क्या करेंगे? 2 × 10 + 1 करेंगे, 20 + 1 = 21 आ जाएगा लेंथ। तो हमको ना पता है 10 है कि 2 है कि 3 है, नहीं पता, तो हम लोग क्या मान लेंगे? हम लोग मान लेंगे ब्रेथ जो है वो एक्स है। तो अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कैसे निकालेंगे? 2 × x + 1 मतलब हो जाएगा 2x + 1, मतलब लेंथ कितना आ गया? 2x + 1। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद पूछा क्या देख लेते हैं, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, आसान है। तो हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू कितना? तो एक्स मीटर्स, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स लेंथ विल बिकम, या फिर इट्स लेंथ इज इक्वल्स टू कितना? तो 2x + 1, क्योंकि ब्रेथ का ही ट्वाइस करके उसमें एक ज़्यादा कर दिए, इतना मीटर आंसर हो जाए मतलब इतना मीटर मेरा लेंथ हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होगा? तो हो जाएगा L × b, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। लेंथ है कितना? अच्छा, एरिया ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट वो दिया हुआ, मतलब इसके नीचे इसका वैल्यू लिख देंगे कितना, 528 इक्वल टू लेंथ कितना है? लेंथ है 2x + 1 और इनटू ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ है एक्स। इधर समझ में आ गया क्या? ये दिख रहा है, विजिबल है नीचे वाला चीज़, हाँ विजिबल है। अभी इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 528 इक्वल्स टू, ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, x इंटू 2x हो जाएगा मेरा 2x² और x इंटू 1 हो जाएगा x, मतलब ये आ गया 2x² प्लस x, और ये जाएगा उधर प्लस वाला उधर जाएगा तो -528 इक्वल टू 0, मतलब यही मेरा आंसर है। हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। क्या बोला? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ द प्लॉट, हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसको सिचुएशन को ला दिए, इस पूरे सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमको, और एक्स का वैल्यू जो होगा वही मेरा ब्रेथ होगा, तो ये निकल गया। और उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे तो लेंथ भी आ जाएगा, सिंपल सा बात है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग कर ही सकते हैं, क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल ही सकते हैं, या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 528 है और यहाँ पर 2 है, तो 528 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 टू जो 4 × 5 टू जो 10 1056। इस 1056 का एलसीएम लेने के बाद इसको स्प्लिट करना है ऐसा करके ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 12 और 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 11 = 6, इतना कुछ आया। क्या क्या आया? 11 आया, इधर पूरा 2, 3 आया, इधर पूरा इतना 2 आया।
11 आया, 11 टू सा इधर ले लेते हैं 30, 66, और इधर है कितना, नहीं होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, और ये 33। हाँ देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना इतना 2 ले लेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और 16 टू जा 32, और 11 थ्री जा क्या होता है 33, 32 और 33, 32 और 33 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, तो इजी है, 32 और 33 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए ना, तो 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। उल्टा करते हैं इसको, इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x और माइनस 528 इक्वल 0। तो इसमें अब कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 16 प्लस, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आना चाहिए 33, इसमें भी आना चाहिए x और ये माइनस 16, ठीक है, देख लीजिएगा, 528 को डिवाइड करके 33 से 16 ही आने वाला है, तो x माइनस 16 फिर से कॉमन और आएगा 2x प्लस 33 इक्वल 0। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा, इससे क्या होगा देख लेते हैं, इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। कितना कैसे निकलेगा, एक तो आइदर x माइनस 16 इक्वल टू 0 कर देंगे जिससे कि x इक्वल टू 16 आ जाएगा मीटर, मतलब ब्रेथ मिल गया मेरा एक, या तो इसको भी इक्वल टू 0 कर सकते हैं और इससे भी x का वैल्यू आएगा, पर इससे जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 33, तो x इक्वल टू माइनस 33 बाई 2, बट ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर, विच इज़ नॉट पॉसिबल लिख देंगे। तो ब्रेथ कितना आ गया मेरा, ब्रेथ आ गया 16 मीटर, और लेंथ कितना आ गया, तो लेंथ होता है 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1, मतलब 33 मीटर, समझ में आया क्या, सो आवर लेंथ इज 16 मीटर और ब्रेथ इज 33, सॉरी ब्रेथ इज 16 मीटर लेंथ इज 33 मीटर, पर इतना करना नहीं है आप लोगों को, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा खाली रिप्रेजेंट कीजिए तो बस यहीं तक करके छोड़ देना है,